प्योर लेदर है। मुझे पहचान है लेदर की। खजाना है भाई, पूरा खजाना है। किसका है वो? जॉन इब्राहिम का। मुझे ना दिखाओ क्योंकि फिर मेरा मन करता है खरीदने का। अब मैं बताऊँ ये लोगों को, कस्टमर को पता भी नहीं होगा कि ये चीज क्या है। मैं बता देता हूँ गाइस ये किस लिए होता है। स्माइल भाई ऊपर भी तो अपना कुछ गोदाम वगैरह है, है ना? ऊपर भी देखेंगे कुछ सामान भाई। इतना माल है ना कि मैं एक व्लॉग में नहीं कवर कर सकता। तो भाई अब ऊपर जा रहे हैं हम। स्माइल भाई ऊपर वहां पे नहीं, अपने खतरनाक खजाने में। माय गॉड भाई ये है पूरा का पूरा गोदाम। और यहाँ पे है एलिगेंट का है भाई, ये कार का सामान है एलिगेंट का। अच्छा कार का है ये सारा? ये मेमोरी फॉर्म है। अच्छा 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 रेंज है भाई, सारी रेंज है। ये बुलेट की ग्रिल हो गई सब, ये बुलेट्स वगैरह की ग्रिल हो गई, इंडिकेटर के ऊपर वाले कवर्स वगैरह हो गए, इंडिकेटर हो गए, ठीक है। ये आपके हाले डेविडसन के लेग गार्ड हो गए, स्टील के, फैट बॉय के, आयरन के, इस टाइप से बहुत हैं। ये ग्लव्स वगैरह हो गए और ये जैकेट्स हैं मेरे पास कुछ। ये जैकेट हो गई, हाँ हाँ। ये मॉन्स्टर के टी शर्ट वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर सब एक्सेसरीज है जितने भी बुलेट वगैरह के आगे, और हार्ली डेविडसन के लेग गार्ड वगैरह हो गए, और ये बैग्स वगैरह। जो एक बैग उतार के दिखाना भाई, ये भाई ओरिजिनल लेदर का बैग है। ओ भाई इसकी क्वालिटी कितनी, इसकी क्वालिटी कितनी धांसू है। मतलब लेदर है, लाइट वेट बिल्कुल। अच्छा ये शिप लेदर होता है। बहुत जबरदस्त लगता है बाइक में साइड में लगा हुआ ना, बहुत जबरदस्त लगता है। और ये हैंडल्स वगैरह है गाइस, यहाँ पर जितने भी लग रहे हैं ये हैंडल वगैरह हो गए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ छोटी मोटी एक्सेसरीज वगैरह है। उधर जो है वो लगा हुआ है, वो डिफ्यूजर वगैरह बोलते हैं जो कार के पीछे लगती है, ठीक है, साइलेंसर वगैरह के पीछे। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो ये जो रखा है ना ये हो गए डिफ्यूजर, जो कार के पीछे जो लोग ढूंढते रहते हैं ना। हाँ ये डिफ्यूजर वगैरह हो गए, ये मिलना मुश्किल है। हाँ ये थार की जो आजकल ट्रेंडिंग है, ये 5 एलईडी में, ये इसको बैक है फ्रंट। अच्छा अच्छा ठीक है। ये नी गार्ड वगैरह है? नी गार्ड है, फुल रेंज है, फॉक्स के हैं, बीएसडी डीपी के। अच्छा ये मतलब बहुत सारी रेंज है ये मेरे पास। ठीक। ये नकल गार्ड हो गए, आपके हैंड गार्ड होते हैं ना? हाँ ये सब मॉडल जो बाइक में आगे लग जाते हैं, सेफ्टी गार्ड जिसे बोल देते हैं। अच्छा ये सारे के सारे वो बैक रेस्ट वगैरह है क्या? ये मिक्स करके रखे हुए, मतलब मेरे पास हार्ले के बीसी में रखे हुए और बुलेट के बीसी में रखे हुए, सब मिक्स है, सारे मिक्सअप है। अच्छा इस्माइल भाई एक बैक रेस्ट आप मुझे ला के देना, मुँह ऊंचे वाला जो पीछे लगता है ना, वो कस्टमाइज बाइक के लिए, हार्ड कोर के लिए। दिखाता हूँ आपको, लंबा मांग रहे ना? हाँ लंबे वाला वो चाहिए तो मैं वो दूंगा। और यार ये पूरा सीसी बार, हाँ सीसी बार जिसे बोल देते हैं, सीसी बार बहुत बढ़िया। अच्छा ये चीज बढ़िया लगती है मुझे, मतलब आप लंबे रूट पे निकलो ना तो ये लगा लो बैक रेस्ट के लिए, बहुत ही बढ़िया है। वो जो खजाना था ये जैसी आपकी गाड़ी है, मारने साले का खोपड़ी तोड़ने की है मेरे पास। ये पिछला मगाड़ है भाई, ये तो बुलेट का, अरे मेटल है भाई। ये कहाँ मिल रही, ये चीजें नहीं मिलती। ये देखो आप, ये पिछला मड़गार और इसी का ही ये है अगला मड़गार, फ्रंट हो गया। हाँ मतलब थोड़ा चॉपर टाइप की बाइक का बना हो, उसके फिटिंग में पूरी ओरिजिनल, अरे यार सब कुछ फिटिंग इसकी, ये ऐसे लगता है। हाँ समझ गया मैं, ये ऐसे लगेगा। हाँ बुलेट में आपकी किसी भी गाड़ी में फिट होगा ये कस्टम, पूरी कस्टमाइज कर सकते हो आप, पूरी कस्टम बाइक बना सकते हो। अरे ये हो गए हैंडल्स वगैरह यहाँ पे, जो हैंडल बार वगैरह है। खजाना है भाई, पूरा खजाना है। अभी ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये हार्ले के हैंडल है, हार्ले के है सारे, ये हार्ले ओरिजिनल है। अच्छा हाँ हाँ, ये कस्टमाइज हैंडल है, वो थोड़ा सा ऊंचे वाला। हाँ वो ये वाला ऊंचे वाला। हाँ ये स्ट्रीट पे ये पूरा, अरे ये तो वो हो गया बड़े वाला। हाँ। बड़े वाला हैंडल है ना, वो एक आज की मूवी आई थी ना, किसका है वो? जॉन इब्राहिम का। जॉन इब्राहिम का उस गाड़ी का हैंडल है मेरे पास, ये रखा ये वाला। लाउड यस लाउड जी जो किसी के हाथ ना आएगा ये लड़का, वो उस मूवी का है ये, किसी के हाथ ना आएगा ये लड़का, जो जॉन इब्राहिम चला रहा ना जो बाइक, उसका जो हैंडल है ये वाला। क्या बोला तूने? खोल दो, क्या है इसमें, खजाना है क्या? तो बड़ी बाइक का
ओ भाई साहब ये क्या है? हाँ भाई उन्हें तो थोड़ा संभाल के रखना पड़ता क्योंकि थोड़ा महंगा होता है ना आइटम। दिखाऊंगा मैं आपको हल्का सा निकाल के। ये भाई जीपीएस है एक तरीके से बाइक का। अच्छा अब आप यूज कर सकते हो इसे अपनी किसी भी बाइक में। ये यार इसकी यार इनकी ना पैकिंग जो है ना इस्माइल भाई मैं कसम से इनकी पैकिंग पे फिदा हो गया। कोई बात नहीं ऑफलाइन चलेगा पूरा इसके अंदर पूरी फिटमेंट है इसके अंदर। ये GPS हाँ GPS बाइक का यूनिवर्सल किसी भी गाड़ी में आप लगाओ बाइक में कार में ये रखा इसका। ये ऐसा वैसा नहीं है ये पूरा मॉड्यूल फिट होता है पूरा मॉड्यूलर इसका फिट हो जाएगा। ये फिट होता है मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई ये तो कसम से यार जबरदस्त भाई इसमें तो तुमने खजाना भर रखा पूरा जो मेन खजाना है इसके अंदर भरा हुआ है क्योंकि भाई ये छोटे छोटे पार्ट बहुत महंगे हैं। अच्छा भाई आपके पास हेलमेट बोल रहे हैं हेलमेट की भी ये देखो पूरा ये बॉस का किट रखे हुए स्पीकर्स। अच्छा ये बॉस के स्पीकर्स हो भाई ये तो महंगे होंगे बहुत। हाँ थोड़े से महंगे होते हैं 20,000 रुपए की रेंज में रहने दे यार रहने दे तो मतलब तो बच्चे यार ले थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है इसी वजह से ना ये सब वाटर प्रूफ है। 30,000 की रेंज में स्पीकर है ये बाइक का और चीज है जो उसमें लगते हैं बड़े वाले फैट बॉब टाइप में हो गए ना मतलब ये लगा हम किसी बाइक में सकते हैं। हाँ मतलब ज्यादातर सब उसके लगाते हैं हाल में तो लगाओ आप। तो गाइज मैं बता तो रहा हूँ भाई इतनी रेंज है आपको सब रेंज मिलेगी हर चीज मिलेगी हेलमेट से लेके कार के एक्सेसरीज से लेके। आपके लिए कुछ दिखाता हूँ भाई मुझे ना दिखाओ क्योंकि फिर मेरा मन करता है खरीदने का। अबे यार प्योर ओरिजिनल लेदर वाली जैकेट जो अपना और प्योर लेदर प्योर लेदर है मुझे पहचान है लेदर की बढ़िया। अरे यार ये वही बाइकर जैकेट हो गई ना। हाँ समझ गया मैं ये वो क्रूजर जैकेट्स भरी ये सारी जैकेटें भरी हुई जैकेट है सारी। भाई ये तो यहाँ मिलती नहीं ये नहीं मिलती ये क्या चीज है? ये भाई हमारा ना इंजन जो हीट करता है ना हार्ले का हाँ हाँ उसे हीट को रोकने के लिए लगता है इसे कहते हैं हीट डिफ्लेक्टर। अच्छा हाँ यार ये तो कमाल की चीज है भाई प्योर लेदर है भाई प्योर लेदर है ये भी। ये मेरे स्क्रैम्बलर में भी काफी काम आएंगी ये चीजें। एक चीज और दिखाता हूँ बढ़िया सी। अच्छा आपको मजा आ जाएगा देख के भाई व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा एक घंटे का व्लॉग हो जाएगा कसम से लेकिन भाई कसम से आइटम नहीं खत्म होने पे आ रहे हाँ। क्योंकि यार बात वही है ना भाई सारी चीजें तो नहीं कवर सकते। हाँ नहीं कवर भी तो नहीं कर सकते ना भाई। ये क्या चीज़ है? ये लाइट है भाई। इस लाइट की खासियत है ये वाइट है। अच्छा और ये फोक को भी काटेगी। सबसे ज्यादा पिटाई भी इसी की करता हूँ मैं। फोग भी काट देगी व्हाइट होने के बाद क्योंकि येलो लाइट ही काटती है फोग। हल्का सा येलो मिक्स है। अच्छा और आप क्वालिटी हाथ में पकड़ के रखो भाई साहब ये तो बहुत ही मतलब हैवी है। अब इसकी खासियत बताऊं आपको इसकी खासियत क्या है? ये वायरलेस है। अच्छा वायरलेस ये रिमोट है वायरलेस। हाँ ये नहीं 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 यार वायरलेस इसमें केबल लगी मॉड्यूल लगेगा बस। ओ भाई वायरलेस लाइट मतलब वायर की जरूरत ही नहीं है वायर ही लगने ही नहीं वायर की जरूरत ही नहीं गाइस भाई ये तो भाई वर्थ कर रही है भाई ये वर्थ इट माल है ये तो भाई मैं सीरियसली बता रहा ये आइटम मैंने पहली बार देखा। सर दिस इज नॉट द राइट आंसर। इसमें वायर ही ना यूज करनी पड़े क्योंकि सबसे ज्यादा पता कस्टमर को क्या प्रॉब्लम होती है इस्माइल भाई के वायर कटिंग ही है। तो हमारा वैसे भी किसी भी गाड़ी में नहीं होता लेकिन हाँ। ये ऐसा है एक बैटरी की केबल लगनी है बस। अच्छा डायरेक्ट बैटरी पे लगाओ आप हाँ। और से इग्निशन का लगाओ कटिंग कुछ नहीं वायरलेस हो जाएगी पूरा वायरलेस रहेगा उसके अलावा रिमोट से ही चलना है उसमें। भाई वाह यार देखो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ बार बार बता रहा हूँ चीज में बार बार दोहरा रहा हूँ आपको भाई इतना माल है ना कि मैं एक व्लॉग में नहीं कवर कर सकता। इसके लिए ना आप लोगों को एक बार विजिट करना पड़ेगा और भाई कारगी चौक पे आ जाओ। क्या नाम बताया था आपने पॉइंट का? फ्यूचर ऑटो पॉइंट। एक बार कारगी चौक पे आना पड़ेगा आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा इस्माइल भाई से मिलना पड़ेगा। बाकी भाई सामान लो या ना लो एक बार इस्माइल भाई के पास आके सामान देख लो ठीक है ना।
ओ यार ये बैज भी ला रखे हैं आपने, ये मेरे पास पूरा घुरमा रहा है भाई इसकी भी। गाइस देख रहे हो आप, ये पता है बैच किस लिए, अब मैं बताऊं ये लोगों को, कस्टमर को पता भी नहीं होगा कि ये चीज क्या है। मैं बता देता हूं गाइस ये किस लिए होता है, जैकेट है ना, जैकेट के ऊपर रखो, प्रेस मारो और ये चिपक जाएंगे। वाओ ठीक है, आपको अपनी, ये मेरी फाइल है इसमें सारे, ये देखो आप भाई, इसके लिए मुझे अलग ब्लॉग बनाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे अलग ब्लॉग बनाना, क्योंकि मेरे काम की चीजें मिल गई है, ये मेरे काम की चीजें है। अरे आपकी काम भाई आप तो दिखा ही रहे आइटम जब से, मेरा तो इन जैकेटों पे मन आ गया, ये जैकेट ही बहुत दासु है। जैसे आपने ना सुपर जो होती है ना अभी क्रूजर टाइप की बाइक, क्रूजर टाइप की, इसमें ये लगता है हेडलाइटों के साइडों में दो लाइटें लगती है, हाँ उसकी हाउसिंग है ये, और आप हाउसिंग देखना कहती है, इसमें क्रोम भी मिल जाएगा, ब्लैक भी मिल जाएगी भाई, और मेटल है, मेटल है तो ये लोग, ये ज्यादातर लोग प्लास्टिक में रखते हैं। ओए होए फिटिंग देखो, क्वालिटी देखो भाई, स्माइल भाई सही बता रहा, इतना व्लॉग में मैं पूरा नहीं कर पाने का क्योंकि माल बहुत ज़्यादा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि माल बहुत ज़्यादा है, नहीं पूरा कर पाने के हम, ठीक है। हेलमेट की वैरायटी आपने पूरी देख ली, इधर मैंने आपको खाली जैकेट का और हेडलाइट का और कुछ इसमें बैचेस वगैरह हैं जो कस्टमाइज आप अपनी जैकेट पे करवा सकते हैं, उधर आपको मैंने दिखा दिया जितना भी लगा हुआ है साइलेंसर वगैरह और कुछ हेलमेट, इधर लेग गार्ड हो गए, इधर आपकी एक्सेसरीज हो गई, ठीक है, और इधर कार का आइटम हो गया जितना भी है, सीट वगैरह का बहुत आइटम है, नहीं पूरा कर सकते हम। अब मैं बताऊँ मैं आपको, आप ना एक बार विज़िट कर लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, विज़िट करने के बाद ही आपको पूरा पता लगेगा कि हाँ भाई क्या क्या आइटम इस्माइल भाई ने रख रखा अपने पास। बाकी गैस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी लंबा व्लॉग बनाने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि व्लॉग यार आप लोग फिर स्किप कर देते हो, तो स्किप मत करना, पूरा डिटेलिंग के साथ देखना व्लॉग बनाने में भी, मुझे दोबारा बना देंगे आपके भाई, हाँ व्लॉग में दोबारा बना दूंगा इस्माइल भाई, एक और बना देंगे, एक स्किप मत करना, हाँ स्किप मत करना, स्किप करोगे ना आप तो स्किप करके मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे डिटेलिंग भाई देखो मैं बताऊँ आपको, एडिट करने में भाई बहुत टाइम लगता है, कोई बात नहीं इस्माइल भाई बहुत टाइम लगता है, और इसे एडिट करना ना भाई आसान काम नहीं है, क्योंकि जो जो आइटम इन्होंने मुझे दिखाया ना अभी मुझे उसे एडिट भी करना होगा। तो व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।